अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है मज़ेदार बटर चिकन, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में पानी लूँगी जिसमें रफली चॉप 3 मीडियम साइज टोमेटोज ऐड करूँगी, 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड 3 स्लाइसेस ऑफ जिंजर, 2 बड़ी इलायची और 3 to 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस और 4 लौंग, तेज़पत्ता और 5 to 6 काजू ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और पॉट को कवर कर देंगे बॉईल होने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये सब बॉईल हो चुका है। अब मैं मशीन में डाल के इसकी प्यूरी बना लूँगी। अब बारी है प्यूरी को स्ट्रेन करने की। आपने इसको स्ट्रेन करना है, लेकिन इसका जो रेजिड्यू है वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मेरी नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार करिएगा, जिसमें मैं आपको इस रेजिड्यू का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी एक नई डिश के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरी प्यूरी तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सिल्की टेक्स्चर है इसका। अब एक कढ़ाई लूँगी मैं, उसमें बटर मेल्ट करूँगी। बटर मेल्ट करने के बाद उसमें मैं जिंजर पेस्ट ऐड करूंगी, हरी मिर्च ऐड करूंगी और उसे भूनूंगी। जब वो भुन जाएगा तो उसके अंदर मैं अपनी प्यूरी ऐड करूंगी और उसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड सम क्रीम टू गिव इट अ क्रीमी टेक्सचर। लुक हाउ क्रीमी माई ग्रेवी इज़ लुकिंग। क्योंकि इस रेसिपी के 2 सेशन होते हैं, एक चिकन टिक्का प्रिपरेशन और एक ग्रेवी प्रिपरेशन, मेरे पास चिकन टिक्का ऑलरेडी है तो मैं वही यूज़ करूँगी और आप लोगों के लिए मैं चिकन टिक्का की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अब बारी आती है चिकन टिक्का को हमारी ग्रेवी में ऐड करने की। अच्छे से चिकन टिक्का को ग्रेवी में मिक्स करेंगे और 2 to 3 मिनट्स पकाएंगे। जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो हम उसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे बटर नान के साथ। तो तैयार है हमारी बटर चिकन विद बटर नान। इंजॉय करिए, सबको खिलाइए, ख़ुद भी खाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। Thank you for watching the video. Happy eating!